सुरेंद्र, अब लगातार स्टार प्रचारकों का दौरा झारखंड के सरजमी पर होने लगा है और आज भी दिग्गजों का दौरा रहेगा, तो ऐसे भी कितना असर पड़ेगा कुल्हान वासियों पर, बोकारो की जनता पर? लगातार जिस तरह से छठ महापर्व खत्म होने के बाद आज से स्टार प्रचारकों की लाइन लगे रहेगी, क्योंकि काफी अब कम समय है चुनाव में। अब स्टार प्रचारक अपने जो इनके जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनके लिए लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और लोगों से अपील करेंगे कि हम जो उनके प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट अपील कर उनके लिए वोट मांगेंगे। देखिए, खासकर जो जनता है, जनता जनार्दन हम लगातार कह रहे हैं कि समझ गई है, अब किसी वादे और किसी हम कह सकते हैं मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र के बहाने वोट मांगना काफ़ी मुश्किल होगा। चूंकि जिस तरह से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर मुखर हो गए हैं। अगर हम बात करें बोकारो जिला के, तो बोकारो जिले में कई ऐसे जगह हैं जहां पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली और नाली की समस्या है। हम कह सकते हैं आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी गाँव की ये दशा नहीं बदली है। हालाँकि कुछ कच्चे मकान जो है पक्के हो गए हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएँ मिलनी चाहिए, जैसे शिक्षा की हम बात कर लें, स्वास्थ्य की हम बात कर लें, ये नहीं मिल पा रही है। और सबसे बड़ी बात है, गांव में जो गरीब तबके के लोग हैं उनका राशन कार्ड भी किसी का नाम कट जाता है तो काफी लंबी कतारें होती हैं, उनका नाम भी जोड़ने में काफी कठिनाइयां होती है। किसी को अबुआ आवास नहीं मिला है तो किसी की जमीन रजिस्ट्री हुई तो उनका मोटेशन नहीं हो रहा है। कई ऐसे काम हैं जो सरकार को करने थे लेकिन नहीं हो पाया है, चाहे वो जनप्रतिनिधि के पास जा रहे हैं या किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं, सबके पास जाने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जनता ने मूड बना लिया है अपने विकास को लेकर या मतदान करेंगे। हमारे साथ कुछ जनता जनार्दन भी है, हम उनसे भी जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं कि इस बार जो बोकारो का चुनावी रण है वो कैसा रहेगा और किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को। किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को भैया? चुनाव देखिए, क्या बोले, अब इसमें कौन पार्टी क्या जीतेगा, कौन जीते हारे वो अलग की बात है, लेकिन क्षेत्र का कितना विकास है उस पर हम बात करेंगे। विकास के नाम पे तो ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, सेल में भी इतना सारा एम्प्लॉय था, अभी तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे ही चल रहा है सेल, तो विकास के नाम पे ऐसा कुछ है नहीं बोकारो में। वही जो दे रहा है 2 रुपया 1 रुपया में चावल, बस उसी पर आदमी टिका हुआ है, जहाँ ध्यान उसी पर है, और क्या बोल रहे हैं। शिक्षा की क्या अगर बात करें तो, शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा मतलब लचर स्थिति है, उतना कोई सुधार नहीं है और बढ़ना चाहिए। हाँ, बढ़ना तो चाहिए। तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, जिस तरह से स्वास्थ्य सेवा लगातार सभी को जरूरत पड़ती है, आज नहीं कल तो पढ़ना ही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य में तो प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है अभी, सरकारी वैसा तो कुछ है नहीं, लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, स्वास्थ्य में प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा है, शिक्षा में भी वही हो रहा है, कुछ युवा भी हैं हम उनसे भी जानते हैं और बात करते हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, बोकारो के चुनाव में क्या देख पा रहे हैं, क्षेत्र का कितना विकास हो पाया है? देखो, मैं तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलूँगा कि डेवलपमेंट कुछ नहीं है। ठीक है, आज से 10 साल पहले जो बोकारो था वो आज नहीं है, डिग्रोथ में है। मार्केट की हालत बोलो या इवन मतलब हर जगह आप कहीं पर भी जाओ, पहले रोड कहीं टूटा हुआ नहीं दिखता था, अभी हर जगह रोड टूटा हुआ ही दिख रहा है। क्या होना चाहिए बोकारो में, आप रहे पले बढ़े हैं, पढ़ाई भी यहाँ पर किए होंगे, क्या लग रहा है? एजुकेशन सिस्टम भी पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहा, बहुत ही डाउनफॉल है। इवन अभी रांची डेवलप हो गया, जमशेदपुर डेवलप हो गया, बोकारो जहाँ नंबर वन पे रहा करता था, अब ये मुझे नहीं लगता कि कोई जानते भी होंगे, अब स्टूडेंट भी नहीं आते कहीं से बाहर से पढ़ने, तो डेवलपमेंट तो हर तरह से रुक रहा है। कैसे शिक्षा बेहतर होगा, युवा है बताइए। शिक्षा बेहतर के लिए तो देखो, सिंपल सी बात है कि जो हम लोग प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट स्कूल है उस पे मेन फोकस किया जाना चाहिए थोड़ा सा। सुरेंद्र, सत्ता पक्ष के जो मैनिफेस्टो है जिनको लेकर के जनता के बीच में सत्ता पक्ष जा रही है, उनके बारे में भी जिक्र कीजिए कि सत्ता पक्ष के मैनिफेस्टो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि दोनों पक्षों के द्वारा मैनिफेस्टो जारी किया गया है, संकल्प पत्र जारी किया गया होगा, आप उनके बारे में जान रहे होंगे, क्या लग रहा है? बट देखो, वो एक तरह से बोलते ना वोट लेने का बस एक ट्रिक है, उससे बोलते ना डेवलपमेंट कुछ नहीं हो सकता है, ये आप एक तरह से लालच दे करके आप वोट ले रहे हो, बट उससे कुछ होने वाला नहीं है, डेवलपमेंट कुछ नहीं हो सकता है, आपको ग्राउंड लेवल में काम करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल में काम करो तभी कुछ हो सकता है। तो शायद हो सकता है कि कल के डेट में फिर से बोकारो जो पहले था कुछ दिन बाद हम लोगों को दिखे। तो देखिए, युवा का कहना है कि जिस तरह से संकल्प पत्र और ये सारे चीजें निकाले गए, वोट लेने का एक बहाना है, नेताओं
आपके द्वारा, और भी कुछ लोग हैं हम निशु उनसे भी बात करते हैं, उनके पास जा रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उस पर उनका क्या विचार है। मैनिफेस्टो देखे होंगे, संकल्प पत्र देखे होंगे, क्या लग रहा है वो चुनाव के समय आता है तो कितना फायदा होता है लोगों को? लोगों को तो फायदा नहीं होती, नेता लोग के फायदा होती है। कैसे? ठीक है सुरेंद्र, नजर बनाए रखिए, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।